हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड रिट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एसआई पटवार भर्ती और राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक भर्ती के लिए दोस्तों राजस्थान के टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी राजस्थान की ज्योग्राफी में, जिसमें अपनी 7 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों इसमें 8वें नंबर की क्लास है, जिसमें राजस्थान की प्रमुख नदियों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपने पिछले 7 क्लासें अगर नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें देखो, राजस्थान में सतही जल की उपयोगिता की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? राजस्थान में सतही जल की उपयोगिता की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंबल नदी। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो सर्वाधिक सतही जल वाली जो नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी। यह 12-मासी नदी है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है वो 322 किलोमीटर है। 322 किलोमीटर राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। और इसकी टोटल लंबाई है वो है दोस्तों इसमें 1051 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर प्रश्न, चंबल नदी किन नदियों के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है? चंबल नदी किन नदियों के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेणी संगम है। ये कौन सी नदी चंबल के साथ में कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों चंबल, बनास और सीप, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बनास तथा सीप, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर प्रश्न, इसमें दिए देखो सुमेलित करना है, एक तरफ है झील, दूसरी तरफ है दोस्तों इसमें शासक, ठीक है। कौन सी झील का निर्माण है वो कौन से शासक ने करवाया था, अपने को ये बताना है। तो इसमें देखो जयसमंद झील का जो निर्माण है वो जयसिंह ने करवाया था। देखो नाम में जय है तो जयसमंद हो गया इसका, ठीक है। बी में देखो राजसमंद, तो देखो राजसमंद झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? देखो राजसमंद में राज आ रहा है तो राज सिंह ने करवाया था, ठीक है। कायलाना झील का जो निर्माण है वो दोस्तों प्रताप सिंह ने करवाया था, और सुजान गंगा का जो निर्माण है वो सूरजमल जाट ने करवाया था, ठीक है। देखो सुजान से सूरजमल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर प्रश्न, चूलिया जलप्रपात किस नदी एवं किस जिले में है? चूलिया जलप्रपात किस नदी एवं किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चूलिया जलप्रपात है ये चंबल नदी में चित्तौड़गढ़। देखो चूलिया के अंदर चय है और चंबल नदी में भी चय है, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ में भी चय है, ठीक है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कोटा संभाग में भैंसरोडगढ़ के समीप चंबल में बामणी नदी आकर मिलती है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर 18 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला चूलिया जलप्रपात है, यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। 5 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तो दोस्तों ये सबको पता होगा, ये तो 33 सागर का अवशेष मानी जाती है खारी पानी की झीलें। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये जो झीलें हैं ये मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल भाग में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो खारा पानी है वो इसी के कारण है। 6 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो दोस्तों अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो वो है मालू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगा, ठीक है। यानी कि माही, लूणी, सोम, जाखम और खारी, ये नदी है ये दोस्तों अरब सागर में गिरती है, ठीक है। देखो इसमें सोजा नहीं तो सांप, सासे दोस्तों इसमें साबरमती हो जाएगा, ठीक है। सूकड़ी है ये लूणी नदी की सहायक नदी है तो ये भी इसमें आ जाएगा, सोम भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसी नदी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी वो कौन सी है? माही नदी, सबको बताओगा माही नदी है। नेक्स्ट है, 8 नंबर प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा जोड़ा इसमें सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इसमें देखो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस जयपुर, राजस्थान की थर्मोपल्ली डूंगरपुर, पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस उदयपुर। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों वो है राजस्थान की थर्मोपल्ली डूंगरपुर, ठीक है, ये इसमें गलत हो जाएगा, डूंगरपुर इसमें नहीं आएगा, थर्मोपल्ली ये दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध को कहा था, तो ये उदयपुर में आएगा दोस्तों, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो सबको पता होगा दोस्तों मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर बना हुआ है, ठीक है, मेजा बांध है ये कोठारी नदी पर बना हुआ है, और कोठारी नदी का जो उद्गम स्थल है वो दोस्तों दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है, ठीक है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों इसका उद्गम है कौन सी नदी का, कोठारी नदी का, कोठारी नदी का जो उद्गम है वो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसका उद्गम भीलवाड़ा जिले के होरेरा ग्राम में होता है, होरेरा, ठीक है, होरेरा ग्राम से इसका उद्गम होता है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। यह राजसमंद व भीलवाड़ा जिले के पहाड़ी क्षेत्र में 51 किलोमीटर बहती है, ठीक है, आगे चलते हैं। भीलवाड़ा जिले में इस पे कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है मांडलगढ़ में, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी है, तो दोस्तों अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो है दोस्तों इसमें लूणी नदी, ठीक है, ये अरावली के पश्चिम में बहती है, लूणी को लवणवती भी कहा जाता है, इसका जो उद्गम होता है वो दोस्तों नागपहाड़ अजमेर से होता है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये दोस्तों सर्वाधिक 6 जिलों में बहती है, किसका संबंध दोसा से है, तो दोस्तों ये 4 दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से किसका संबंध है वो दोसा से है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माधो सागर है, ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये दोसा में है, माधो सागर दोसा में, ठीक है, आगे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है, त्रिवेणी नदियों का जो संगम स्थल है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बांसवाड़ा में, ठीक है, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल बांसवाड़ा में है इसमें, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार बांसवाड़ा में होगा। 13 नंबर प्रश्न है, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी, ठीक है, नौचौकी कहा जाता है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, यह इतिहास किस भाषा में लिखा गया है, तो दोस्तों जो राजसमंद झील पर 25 शिलालेखों की नौचौकी पाल बनी हुई है, ठीक है, तो यहां पर जो मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया है ये, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है, तो राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों इसमें चंबल नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है, तो राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पुष्कर झील पर, ये दोस्तों इस ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, ये सर्वाधिक प्राचीन है, ठीक है। दोस्तों अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित झील, जहां हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है, ठीक है, और किंवदंतियों के अनुसार इस झील का निर्माण है वो ब्रह्मा जी के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, तो 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान की किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% सोडियम क्लोराइड होता है, तो किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पंचभद्रा, ठीक है, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। पंचभद्रा कहाँ पर है, ये बाड़मेर में है, ठीक है, बालोतरा के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान की एकमात्र सर्पाकार में बहने वाली नदी है, राजस्थान की एकमात्र सर्पाकार में बहने वाली नदी है वो दोस्तों कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्पाकार में बहने वाली जो नदी है वो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बनास नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो गगर राजस्थान के किस जिले में
प्रवेश करती है, तो घग्गर नदी है वो राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी है, ये हनुमानगढ़ जिले में से प्रवेश करती है, ठीक है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से यह हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। और इसको पाकिस्तान में इसको हकरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर इसमें वर्षा ऋतु में अगर इसमें बाढ़ आती है तो इसका जो पानी है वो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित में से चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है? तो दोस्तों चंबल नदी पर इनमें से कौन सा बांध नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा राणा प्रताप सागर है, कोटा बैराज है और जवाहर सागर बांध है। तो ये तीन बांध तो राजस्थान में है, ठीक है। एक गांधी सागर और है वो दोस्तों मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिसलपुर बांध, ठीक है। बिसलपुर बांध है ये दोस्तों बनास नदी पे है, ना कि चंबल नदी पे। चार नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, वह झील जहां संगमरमर के 12 दरवाजे बारह दरी स्थित है, वह झील जहां संगमरमर के 12 दरवाजे बारह दरी स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा? तो वो है दोस्तों इसमें आना सागर, ठीक है। चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अजमेर में स्थित आना सागर झील का निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्नोराज के द्वारा 1137 में करवाया गया था। इस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलतबाग यानी कि सुभाष उद्यान तथा शाहजहां ने बारह दरी यानी कि 5 संगमरमर के मंडप का निर्माण करवाया था, ठीक है। इस जो झील है इसमें जो पानी है वो बांडी नदी से आता है, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, पार्वती नदी का उद्गम स्थल है, तो दोस्तों पार्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो पार्वती नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा दोस्तों इसमें सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश, ठीक है। सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश ये दोस्तों यहाँ से पार्वती नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, तो दोस्तों कोठारी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ से है? मैंने आपको बताया था कि कोठारी नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है, तो ये राजसमंद और भीलवाड़ा इसका प्रवाह क्षेत्र है, तो 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बिसलपुर बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये बनास नदी पर स्थित है बिसलपुर बांध, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो खारी नदी का उद्गम स्थल है, तो दोस्तों खारी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजराल गाँव की पहाड़ी राजसमंद, ये दोस्तों खारी नदी का उद्गम स्थल है, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी अरब सागर में स्थित गिरती है? तो दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताई थी अभी, ठीक है, अरब सागर में कौन सी गिरती है? तो मालू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगा, यानी कि माँ से क्या हो जाएगा, माही नदी है वो अरब सागर में गिरती है। बाकी की जो तीनों नदियाँ हैं ये दोस्तों ये तो रण में जाके समा जाती है, ठीक है, और ये 2 नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है? तो राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है वो किस नाम से विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है नौचौकी पाल के नाम से विख्यात है राजसमंद झील का उत्तरी भाग, 1 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो किस नदी को वांगड़ व काठल की गंगा कहते हैं? बांगड़ व काठल की गंगा कहते हैं, तो सबको पता होगा दोस्तों बनास नदी को बांगड़ व काठल की गंगा कहते हैं, 1 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी है, राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें चंबल नदी है, वो वाटर सफारी से संबंधित नदी है, 1 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? तो इसमें देखो बस्सी अभ्यारण्य की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, बस्सी अभ्यारण्य से कौन सी नदी होकर गुजरती है? तो वो होती है दोस्तों इसमें देखो बामणी नदी है, ये बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, मर्त नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो मर्त नदी के नाम से दोस्तों कौन सी नदी को जाना जाता है? तो घग्गर नदी को मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, इसे नट या नाली नदी भी कहते हैं। इसका राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र निम्न जिलों में फैला हुआ है, तो वो कौन कौन से हैं, तो देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, और इसमें अधिकतम जो क्षेत्र है वो गंगानगर में है इसका। 31 नंबर प्रश्न है, वह झील जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांडी नदी का जो जल एकत्रित होता है वो होता है फौज सागर में। फौज सागर कहाँ है? अजमेर में, ठीक है, अजमेर में है दोस्तों, ठीक है। और इसी फौज सागर का जो निर्माण है वो इंजीनियर फाय के निर्देशन में किया गया था बाढ़ राहत परियोजना के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो किससे होती है, तो देखो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, अरब सागर के मानसून से, भूमध्य सागरीय विक्षोभों से, अरब सागरीय चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वाधिक वर्षा है वो बंगाल खाड़ी के मानसूनों से होती है, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य जिला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा, भरतपुर, ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, वो कौन सी है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, ये सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है राजस्थान में नहीं अपितु पूरे विश्व में, तो 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं, साबरमती नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी है, तो देखो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो साबरमती नदी की जो सहायक नदी है वो देखो वाकल, हथमती, मेशवा, वेत्रक, ये याद रखना दोस्तों, ये किताबों में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा साबरमती की सहायक नदियां, वाकल तो मिल जाएगा, हथमती, मेशवा और वेत्रक, इसको भी आपको याद रखना है, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। साबरमती नदी उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में अरावली की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश कर गुजरात में बहकर खंभात की खाड़ी में ये गिर जाती है। गांधीनगर है वो साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है, और इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं, देखो वाकल, नाड़ी, ठीक है, हथमती, मेशवा, वेत्रक और जाजम, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये सभी जो नदियां हैं ये डूंगरपुर और उदयपुर से निकलती हैं, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भीमलत जलप्रपात बूंदी किस नदी पर है, ये कौन सी नदी पर स्थित है, दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो भीमलत जलप्रपात है ये मांगली नदी पर स्थित है, कौन सी नदी पर, मांगली नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों कौन सी नदी, बनास नदी है, ये पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वन की आशा भी कहते हैं इसको, बनास को, ठीक है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ियों से ये निकलती है, ठीक है, खमनौर की पहाड़ियों से ये निकलती है बनास नदी, ये भी 6 जिलों में बहती है। 38 नंबर प्रश्न है, वह झील जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा आनाजी ने सन 1137 में करवाया था, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 1137 में जो आना सागर झील का निर्माण करवाया था किसने, आनाजी ने, ये कौन थे, ये पृथ्वीराज चौहान के दादा थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो वह कौन सी नदी है जो बैराट की पहाड़ियों से निकलकर फतेहाबाद के निकट यमुना में मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी नदी है, तो वो बाणगंगा नदी है, ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये बाणगंगा नदी है, ये बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और फतेहाबाद के निकट यमुना में जाकर मिल जाती है।
40 नंबर प्रश्न है, आयड़ नदी के नाम से जाने जाने वाली नदी है, तो आयड़ नदी के नाम से जाने जाने वाली नदी है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों इसमें बेडच नदी, जिसको आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो झालावाड़ में स्थित गागरौन का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है, झालावाड़ में स्थित गागरौन का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है दोस्तों आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर गागरौन का किला इसमें बना हुआ है, ठीक है, गागरौन का किला इसमें बना हुआ है। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है काकनी नदी, ठीक है, काकनी नदी है ये जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर दक्षिण में कोठारी, ठीक है, जिसको अपन कोठारी गाँव भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोठारी गाँव से यह नदी निकलती है, ठीक है, और कुछ ही किलोमीटर बहने के बाद ये दोस्तों लुप्त हो जाती है, ठीक है, और लेकिन प्रदेश में अगर अच्छी वर्षा हो जाती है तो दोस्तों ये काफ़ी दूर तक भी बहती है, इसे स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो लूणी नदी के किनारे बसा राजस्थान का अंतिम नगर है, लूणी नदी के किनारे बसा राजस्थान का अंतिम नगर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है भीलमाल, ठीक है, भीलमाल है ये लूणी नदी के किनारे बसा राजस्थान का अंतिम नगर है। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो शाही महल व शाही लॉज किस नदी के किनारे स्थित है, शाही महल व शाही लॉज किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शाही महल व शाही लॉज है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये सिलीसेड झील, सॉरी किस झील के किनारे स्थित है, तो सिलीसेड झील के किनारे शाही महल व शाही लॉज स्थित है। दोस्तों सिलीसेड झील है ये अलवर में स्थित है, यहाँ 1845 में अलवर महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी हेतु एक शाही महल व लॉज बनवाया था जो आजकल लेक पैलेस होटल के रूप में चल रहा है। 45 नंबर प्रश्न है, चोपड़ा झील किस जिले में है, तो दोस्तों चोपड़ा झील है वो पाली जिले में है, सबको पता होना चाहिए चोपड़ा झील है वो पाली जिले में है, 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, जैसमंद झील के सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, तो जैसमंद झील के सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, तो दोस्तों इसमें देखो सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी, ठीक है, और सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा, ठीक है, सबसे बड़े टापू का नाम है वो है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे का क्या है प्यारी टापू का नाम है, दोस्तों इसमें 7 टापू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय भाषा में बारह किस नदी को कहा जाता है, स्थानीय भाषा में बारह किस नदी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रूपारेल नदी को स्थानीय भाषा में बारह नदी भी कहा जाता है, ठीक है, स्थानीय भाषा में, तो याद रखना बारह किस नदी को कहा जाता है, तो रूपारेल को कहा जाता है। 48 नंबर प्रश्न है, सॉरी दोस्तों इसमें देखो 47 क्वेश्चन ही है, नेक्स्ट पार्ट आएगा इसमें, ठीक है, वो आएगा दोस्तों अपने कल, तो इसका सेकंड पार्ट जरूर देखना, और दोस्तों अगर आपने अभी भी आराध्या आर्य अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।